लाश डूबी है। जाओ ऊपर सरकार गुला है, रुक जा बाकी ये छठ भी है। इनकी पाड़ा अल्लाह पाक ने हम लोग को दरिया में दे दिया कि अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये लाश डूबी है आस्तोला पे और इसकी ये छत निकल निकल के इसके फट गई है, लाश इसके टुकड़े निकल रहे और ये इसकी छत है और आप देख रहे हो ऊपर टंकी मंकी और सामान पड़ा हुआ है और क्या करे, अब तूफान लगा हुआ है जा रहा है, अभी पानी में जाया हो रहा है, कम से कम टंकी हमारे काम तो आएगी। खैर अल्लाह खैर करे, ये हमारे दो बंदे जा रहे हैं डेंजरस, एक शबीर है और दूसरा यासिर खान है, एक शबीर अड्डा है और ये बंदे को गौर से देखे इसकी इतनी मुंह इधर कर गुलाम, मुंह इधर कर। मैं भी आ रहा हूँ। नहीं नहीं मामू तू रुक जा तेरा, अरे रुक जा अबे बाबू तू छोड़, ये दो बंदे बहुत है और ये छठ आप देखे और ये देखे हमारे नर लड़के। नहीं नहीं मामू नहीं, हम लोग छेड़ा पे करे, तुम लोग खाली जाओ ऊपर। ये जब मारी एक चेयर लेता ये दूसरा भी आया, ये दूसरा भी आया, दूसरे ले बैठक की तरह जब मारी है। जा ना लाइफ जैकेट पहन जाओ, और ये हमारे बंदे गए इसके ऊपर, ये हमारे भाई जो है ना अभी दो कूद के गए हैं, ये राजा नाकुआ बैठा हुआ है। बड़ी हुई है देखे नाजरीन, ये लांचे बारिश की वजह से सब खड़ी हुई है सब। बारिश बैठे हुए कोई काम धंधा नहीं है, तूफान आया हुआ, हमने सोचा चलो ओड़े का केबिन ही बना ले, ये हम लोग ने केबिन बनाया है, अल्लाह पाक ने हम लोग को दरिया में दे दिया है केबिन, अभी हम लोगों ने इसका केबिन बना दिया, बस इसको पढ़ने लगा है, खिड़कियां तो बनी हुई है। चेक कर रहे हैं ना, बारिश आ गई तो बांध देंगे ना, थोड़ा चलेगा ना अपना चालू केबिन है, तेरे को पता है। यासिर आपके क्या कहना चाहते हैं इस केबिन के बारे में? ये हम लोग पार्क बैठे हुए थे मामू, बस सोच रहे थे क्या करें, तो ये केबिन बना दिया। सही आ रहे चपो।